ओम शांति। आपका स्वागत है 29 जून के ईश्वर वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम निर्विघ्न होकर के डबल लॉक लगाएं और माया को एंटर ना करने दें। अब ये माया क्या है? यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को माया कहा जाता है, ना कि मोह माया। माया को अलग कर दिया और मोह को अलग कर दिया। मोह भी 5 विकारों में आती है और वो माया का ही एक स्वरूप है। तो देखें परमात्मा कहते क्या है, कैसे हम इसको डबल लॉक लगाएं। बाबा कहते हैं यथार्थ याद, ट्रू रिमेम्बरेंस और सेवा, औरों की सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ बाबा। फीलिंग कब आती है? जब किसी की बात चुभती है, और जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो हमें औरों की बातें चुभनी शुरू हो जाती हैं। जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी होती है तो हमें औरों की बातें चुभती हैं, हम फीलिंग में आते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे करते हैं लोग। तो परमात्मा कहते हैं माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। रिमेम्बरेंस मीन्स मेडिटेशन, और सेवा मतलब औरों को भी परमात्मा से जोड़ना। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो ज़रूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है, या तो ठीक से मेडिटेशन या परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, और कहीं ना कहीं हम सेवा में कुछ स्वार्थ रख रहे हैं, वो सच्ची सेवा नहीं कर रहे हैं, कुछ या तो नाम मान शान पाने के लिए या तो फिर कुछ प्राप्ति करने के लिए कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, कोई भी प्रकार की इच्छा ना हो, ना तन मन धन की इच्छा, ना हमें नाम मान शान की इच्छा। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमें लोभ आ सकती है, अहंकार आ सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, क्रोध आ सकता है, और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों, क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। फिर क्यों, क्या कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। सेवा करते हुए किसी ने ताना मार दिया, किसी ने आपको बुरा कह दिया, ऐसे थोड़ा करते हैं, ऐसे करते हैं, और आप फीलिंग में अगर आ गए, इसका मतलब आपके अंदर अभिमान है, आपके अंदर अभी भी सच्चा सच्चा स्वमान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आपको कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ भी कह करके आपको हिला सकता है। इसका मतलब हमारा परमात्मा से जोड़ नहीं है। हम अभी भी लोगों से इच्छा रखते हैं, अभी भी लोगों से प्यार की, नाम मान शान की, खुशी की, आनंद की, हर चीज़ की इच्छा रखते हैं, इसलिए लोगों की बातें चुभती हैं। लेकिन अगर परमात्मा सारी इच्छा रखें तो लोगों की बातें भी ना चुभें, तो आप फीलिंग प्रूफ हो जाओगे, आप परमात्मा के दिए हुए गाइडेंस से सेवा करोगे, अपने मन मर्जी से नहीं, और फिर परमात्मा की याद में सेवा करोगे। ये करें कैसे, और ये हर फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आप ब्रह्म कुमारी इसका 7 दिन को जरूर करें। इसी के साथ ओम शांति।